Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamu alaikum everyone, welcome to another vlog. Kaise hain aap sab log? I hope everyone is fine. Acha janab, scene ye hai ke I posted a poll on Insta to ask ke what kind of vlogs do you guys like. So majority replied with the hospital related vlogs. So here it is, a hospital related vlog. Aaj meri ER call hai. और अब तो खैर ये 2 बजने वाले हैं और मैं जा रही थी नमाज़ पढ़ने, लेकिन 2 बजे से पहले की कुछ हरकतें, वो आप लोग तब तक देखें, मैं तब तक नमाज़ पढ़ लूँ और उसके बाद फिर कॉल साथ बताती हूँ. 25 और 3, ठीक है. कहाँ पे डिवाइड हुए? मेरे से तो वैसे ही खा रहे हैं. किधर है? मुझे नहीं मिला. मेरा एक है ये, मुझे एक नज़र आ रहा है. यार फौला का तो नज़र ही नहीं आ रहा मुझे. मेरे पास पैंट ही नहीं है. मैं ठीक हूँ, क्या करिए आप, मतलब ईयर कॉल से रिलीफ लेकर आई हुई है. हाँ, वो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ. ये देखो, आपने मेरे ऊपर पाउंड रखी है, कोई तमीज होती है. क्या इनी मिनी अनम का हम वोट नहीं होते, दिल कर रही है, इन्हें वोट चाह रहे हैं, इनसे पूछ लो, ये खूब बात करो. ये हमारे अफतारे डिसाइड. हाय हिना, हिना ने आज बहुत मेकअप किया हुआ है. हिना प्लीज इधर देखो. इतनी गंदी शक्ल का बना वो. क्या वो क्या कहती है? वो फिर मैकडॉनल्ड्स ही खाएगा. फिर मैकडॉनल्ड्स ही मंगाएगा. खोलो ना मैकडॉनल्ड्स. इधर देखो ना हिना. तो पिछली दफा मैंने तुम लोगों को कहा था तहजीब का कि वो खिला दो मुझे फ्रूट सैलेड. आज ही नहीं खिलाई. आज मैं कह रही हूँ जो मैं खिला दो प्लीज. मैंने तो आज फ्रूट, आज फ्रूट सैलेड ले आते हैं, फ्रूट सैलेड ले आते हैं. अच्छा ये कल्प्रिट है ये. अच्छा बताओ ना. अभी सहरी लेने जा रहे हैं. सॉरी, लेने जा रहे हैं. मुझे भी भूल जाता है हम लेने क्या जा रहे हैं. मेरी शक्ल तो सही से दिखाओ. बात ये है कि सुबह से मैं इस लड़की को कह के मर गई हूँ कि फला व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है, और कैमरा गंदा है, एक मिनट रुकना ज़रा. ये मुझे बहुत तंग करती है यार. सुबह से तुम छोड़ दे, बहुत हिला दे. मैं आपसे ये करती हूँ, सुबह से मैं इस लड़की को कह के थक गई हूँ कि फला व्लॉग बना दे. खुद तो इसने आना नहीं होता, मेरा बना दे, लेकिन इसने नहीं बनाया. और कामों में हम लोग इस कदर बिजी थे कि हम व्लॉग नहीं बना सके. बाकी सारी हरकतों की मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन जो एक्चुअल काम थे उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं बनाई. तो होता ये है कि हम लोगों की ईआर टाइम होता है 6 घंटे का. वो 6 घंटे वाला रोज़ा है. ईआर टाइम हमारा होता है 6 घंटे का, और वो 6 घंटे सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी भी टाइम आ सकते हैं. तो आज हमारा रात के टाइम का जो सहरी वाला टाइम होता है 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक. अभी हमारा सुबह से लेकर अभी तक सारा वार्ड था, और वार्ड में अकेली मुझे 3 पेशेंट मिले. इसके पास मनोज के पास एक था, वो शिफ्ट हो गया. हाँ, वो भी शिफ्ट हो गया. मेरे पास एक किधर था, 33 मेरे चाचा 33 सुबह से डिस्चार्ज है. अब तुम लोग उसको भेज नहीं रहे हो, हम क्या करें? उसके सैंपलिंग ही नहीं, उसका सबसे पास ज्यादा मसला है. उसका सबसे अंदर खड़ी है और ये लॉक है, और मुझे मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को हम हिना का किचन दिखाए. ओ, हिना का किचन. ये एक मेरा दिल है, एक हिना का, और एक रामशा का. मेरा कोई पीला दिल नहीं है. वो चाबी मिल गई, चाबी मिल गई. अनम रमशा नीचे देखो, हमारा हेयर स्टाइल देखो जो भी वाकई तुमने बनाया है. आंटी ने नहीं बनाया, लेकिन अब तक हालत भी तो बुरी हो गई. मैं सब खोलने लगी और आप भी थीटा के एंगल पे बैठने लगी है. हाँ, मैं तो घर से कोकेन चढ़ा के आई थी यार. फौला मैं कर दूंगी. तुम्हारी यही आवाज इतनी ऊंची आती है, उनसे पूछो ना उसकी फाइल कहाँ है. वो कह रहे कोई लेके गया. वो मुझे लगता है वो जो गई है ना अपना बोन मैरो करवाने के लिए, मुझे लगता है तब वो फाइल लेके गई है.
एक बेड हमारे पूरे कमरे में अच्छा है और रमशा हमेशा यही रख लेती है, ठीक है। और मैं बेचारी, मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ये काली काली जुल्फे टुरुरु टुरुरु। अच्छा, डॉक्टर रिजवान को पेशेंट भी मिल गया जी। अच्छा, तो सीन ये होता है कि जब हमारी ईआर होती है, हम लोगों को पीडी असाइन है। यार इतने दूर ना जाओ, नहीं तो आप अच्छी आ रही हो, आवाज नहीं आएगी, आ जाएगी। हमारी ईआर होती है तो हमारे पीजीज को बेड असाइन होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमें असाइन होते हैं, क्योंकि काम तो सारे हमने करने होते हैं, पीजी से तो खाली ऑर्डर लिखने होते हैं। तो मेरे जो पीजी है डॉक्टर रिजवान, उनको अभी से बेड मिल गया। अभी तो मैं नहीं देखूंगी, मैं अभी सुबह ही देखूंगी, लेकिन अल्लाह करे उसके काम सारे अभी हो जाए। रात सुबह 8 बजे तक जागने के बाद हम कैसे पूरा दिन अभी गुजारें। हर डिपार्टमेंट, हर जगह का अपना अपना हिसाब किताब है, लेकिन हमारा ये हिसाब। ये सीरत शहबाज है और ये किसकी जूनियर है? अब 2 बज रहे हैं और 10 बजे के बाद हम लोग रिलीफ थे, लेकिन हमने रेस्ट किया कोई 11:30 बजे के बाद और घंटा, और अब हम लोग ईआर जा रहे हैं। आउट फॉर पानी, क्योंकि जो 1.5 घंटा है वो हम पानी अच्छे से पी लें। एंड यहाँ ये कोई सहरी करवा रहा है, विच लुक्स रियली गुड। मैं भी कराना चाहती हूँ, है ना यार। मैं मम्मी को इफ्तारी करने आ गई थी, मैंने देखा तो उसमें लोग इफ्तारी बांट रहे थे। मसला ये है कि देखें, दे आर प्रेइंग इस टाइम पे, प्रॉपर दुआ हो रही है। एंड दुआ के बाद दिल दू देर सहरी। पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सुकून नहीं हो रहा आज भी रात के टाइम पे बिल्कुल भी। वैसे सहरी तक थोड़ा सा बेहतर था, अब सहरी के बाद ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। और पहले से हमारे पास कोई 4 पेशेंट्स हैं जिनकी BSR हाई है, थैंकफुली वो DK में नहीं है, दोज हु नो मेडिकल रिलेटेड टर्म्स तो नहीं है। बस उनकी BSR हाई है, वो इंसुलिन इन्फ्यूजन लगा के जो है वो हम कम करें। वेंट टू द वार्ड नमाज पढ़ने के लिए फजर की, और मैं वापस जा रही हूँ ईआर। और ईआर का वही हिसाब किताब चल रहा है कि 4-5 जो BSR वाले पेशेंट्स थे उनमें से 2 की मैनेज हो गई है और बाकी 2 अभी रहते हैं, और 2-4 और न्यू पेशेंट्स आए हैं जिनको रिटेन किया है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रही है। और अभी 5 बज गए, 5 बज गए, और 7 बजे हमारा क्लियरेंस राउंड शुरू होना है। सो लेट्स सी कि कितने पेशेंट रिटेन होंगे, कितने वार्ड जाएंगे, कितने घर जाएंगे। सो दिस इज़ द ईआर एंड अभी ईआर की क्लियरेंस राउंड हो गया है, पेशेंट एडमिट हो गया है, लेकिन हमने लिए थोड़ी सी मिनटें करके ब्रेक, क्योंकि सारी रात कुत्ते की तरह गुजर गई है। काम लेके खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये ना के काम है वो भी नहीं मुक रहा है। कब हुआ था? मेरी बस हो गई। कौन सी आंख का? दोनों का। फाइनली राउंड एंड ऑर्डर्स एंड सब कुछ हो गया और हद मुकी हुई है, क्योंकि हम कोई बहुत ही उल्टे पुल्टे तरीके से भी हार्डली 1.5 घंटा सोए हैं और अब 1 बजने वाला है, और मुझे शाम को एक इफ्तारी पे भी जाना है, और यहाँ से 1.5 घंटे का मेरे घर का रास्ता भी है। सो आई एम लिटरली डन फॉर द डे। आपकी क्या हालत है? आपका तो घर करीब ही है वैसे, फिर भी बता। Anyways, this was the vlog. मैं बहुत इसको डिफरेंट तरह से करना चाहती थी, लेकिन कल नहीं हो सका, बट वी हैव अनदर ईआर कॉल इन रमज़ान, सो मैं उस पर कोशिश करूँगी कि एक बेहतर व्लॉग बना सकूँ, जस्ट
बताने के लिए कि रमजान हॉस्पिटल में कैसा गुजर रहा है। एनीवेज अब मैं चलती हूँ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने